हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, आप लोग बिहार से हो, किसी अन्य राज्य में फंसे हो, तो आप लोग कैसे बिहार पहुँच सकते हो, इसके साथ पूरी डिटेल के साथ आप लोग समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ही दबा दें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर दोस्तों दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं, आप लोग बिहार से जाना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा, और या आप लोग बिहार आना चाहते हो किसी भी अन्य राज्य से, दिल्ली से, अब हरियाणा से, महाराष्ट्र से, गोवा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, कोई भी राज्य से आप बिहार के हो, आप जाना चाहते हो बिहार अपने घर, तो दोस्तों अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर साइट के द्वारा। तो यहाँ तो दोस्तों ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और लिंक के द्वारा आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट साइट पे आ सकते हो। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हो काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए मैंने ऑल स्टेट के लिंक के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जो भी स्टेट में रहते हो लिंक के द्वारा आप लोग क्लिक करके अपना डाटा फिल करके आप लोग पहुँच सकते हो अपने राज्य में। तो दोस्तों यहाँ पर सभी का देखिए, यहाँ पर दिया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, असम, गोवा, कोलकाता, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको राज्य में जाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बिहार जैसे मेरे जाना है, तो यहाँ पर देखिए बिहार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बिहार पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इधर कुछ मांगेगा, लोडिंग यहाँ पर सर्वर पे लोड ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर, आप लोग नीले कलर का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक हेयर पे क्लिक कर दीजिए, अब दिखेगा तो नहीं दिखेगा तो डायरेक्ट साइट ही खुल जाएगी, जैसे ये साइट खुली है, ठीक है, साइट खुली है, इस पर डायरेक्ट आप लोग लेकर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन आवेदन दें, यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी सारे आप, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर महत्वपूर्ण यहाँ पर देख रहे हैं सूचनाएं मिल जाएगी, सावधानियाँ क्या क्या हैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है सिर्फ नवीन, मतलब जो भी है नवीन लोग होने चाहिए, जो आप लोगों को साइट दी गई है, इस साइट के द्वारा आप लोग उपयोग करके आप ब्राउज़र को सभी साइट के लिए अनुमति दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक दिन इस्तेमाल से पहले जो साइट दी गई है ब्राउज़र का हिस्ट्री क्लीन कर दें, हिस्ट्री क्लीन कर दीजिए, हिस्ट्री क्लीन करने के लिए आप लोगों को बता दूंगा लास्ट में कैसे क्लीन होगी। यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन दिया गया है अपने कंप्यूटर में जो फ्लैश प्लेयर हो रहता है उसका भी इंस्टॉल कर लें, जो फ्लैश प्लेयर रहता है उसको भी बता दूंगा आप लोग। यहाँ पर देख रहे हैं वेब कॉम में फ़ोटो लेने के बाद ज़रूरी है, मतलब ये इंस्टॉल करना क्योंकि वो फ़ोटो लेंगे इसलिए ये ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आवेदन फॉर्म, यहाँ पर लिखा है इंग्लिश नेम में टाइप करते समय हर शब्द के बाद स्पेस उपयोग है, तब हिंदी में जो अगर हिंदी में आप करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, इंग्लिश में करेंगे तो स्पेस देना पड़ेगा। डाउनलोड किए गए पावती प्रमाण पत्र लिखने प्रिंट करने के लिए नवीन आप लोग रिकॉर्डर का उपयोग करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए। उसके बाद छठा क्या है ऑनलाइन आवेदकों को RTCS काउंटर पर आने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन करेंगे तो आप लोग काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग आईडी ईमेल पर मिल जाएगी, यहाँ पर देख रहे हैं प्रमाण पत्र आवेदक के ईमेल आईडी और सर्विस इनबॉक्स में, ईमेल आईडी मतलब चला जाएगा इनबॉक्स में, साथ ही मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, इसमें से एक आएगा मोबाइल नंबर पर, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन दें, यहाँ पर देखिए COVID-19 आपदा के लिए ई पास का निर्माण, कुछ सभी यहाँ पर डिटेल के साथ दिया गया है, मैं डायरेक्ट ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करने वाला, डायरेक्ट आप लोग बता देता हूँ कैसे आप करेंगे, थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे ऊपर साइड में, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा नागरिक अनुभाग, यहाँ पर देख रहे हैं नागरिक अनुभाग, यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं, खुद का पंजीकरण करें, या फिर यहाँ पर देखें पासवर्ड भूल गए हैं, या फिर आवेदन की स्थिति देखें, अगर आवेदन कर लिया है तो स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पर, अगर आप लोगों ने पासवर्ड भूल गए हैं उसका पासवर्ड आप लोग बनाना पड़ता है, सबसे पहले खुद का पंजीकरण करें, इस पर क्लिक करते हैं क्योंकि यहाँ जो न्यू हैं उनके लिए बना रहा हूँ मैं, जो लोग जाना चाहते हैं यहाँ पर खुद का पंजीकरण करें, यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले अपना फुल नेम डाल दीजिए, जो आपका नाम है फुल नेम डाल सकते हो आप लोग, राजकुमार कश्यप जैसे मेरा नेम है, उसके बाद ईमेल आईडी डाल दीजिए, आपको एक ईमेल आईडी मोबाइल में बनानी ही पड़ती है, वो ईमेल आईडी आप लोग डाल सकते हैं SMS वगैरह आने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ईमेल आईडी इसे मैं डाल देता हूँ kashyaparj11@gmail.com, ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिए,
उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट आप लोग को डालना है। यहाँ पर देखिए लिखा है पासवर्ड, यहाँ पर नीचे की साइड में आप लोग नीले कलर का पूरा डिटेल में दिया गया है। 8 से 15 कैप्चर होने चाहिए। विथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर कैपिटल में, और स्पेशल चैप्टर यहाँ पर यूज करना है आप लोगों को। स्पेशल चैप्टर जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार के रहते हैं, वन एक मतलब इसमें से आप लोग यूज करना ही करना है। दोस्तों बना लेता हूँ पासपोर्ट, अपने नाम से ही बना लीजिए आप लोग, जो आपका नाम है नाम से बना लीजिए, राजकुमार 1 2 3 4। और यहाँ पर देखिए स्पेशल जैसे देने के रहे तो स्पेशल आप लोग इसको स्पेशल दे सकते हो, ठीक है। ये देखिए इसके पासपोर्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो भूल जाने के लिए। यहाँ पर देखिए पासपोर्ट का मैंने स्क्रीनशॉट भी निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं सिलेक्ट स्टेट, यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट करने को मांगेगा आप लोग कौन से राज्य में जाना चाहते हो। जो भी राज्य से जाना चाहते हो आप लोग डाल सकते हो, जैसे महाराष्ट्र से जाना चाहते हैं महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं महाराष्ट्र, ओके बिहार कर देता हूँ क्योंकि बिहार जाना है इसलिए बिहार। उसके यहाँ पर कैप्चर मांगेगा जो आप लोग बॉक्स में दिख जाएगा कैप्चर कोड, वो कैप्चर कोड यहाँ पर फिल करना पड़ता है, जो ऊपर लिखा है वही डाल दीजिए, यहाँ पर कैप्चर कोड हो जाएगा आपका 9। ओके देखिए सेम मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं वली डेट, मतलब वली डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं एलवेज, देख रहे हैं एलवेज जीमेल पे ओटीपी चला जाएगा या फिर जो नंबर डाला उस पर, तो ठीक है पे क्लिक करेंगे जो नंबर दिया गया है उस पर ओटीपी आ जाएगा। आपको दोनों दोनों ओटीपी डालने हैं, जीमेल का भी और नंबर का भी, यहाँ पर देख रहे हैं दोनों का मांग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ जीमेल पर डायरेक्ट काट के, ये नंबर को ओटीपी आ गया, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको फिल कर देता हूँ। उसके बाद जीमेल का देखता हूँ क्या ओटीपी है, ओटीपी वेरिफिकेशन देखिए कोड आए हैं 1162 80। ओके ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ सबमिट का आप लोग दिएगा, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा प्रोसेस टाइम लेगा थोड़ा, तो यहाँ पर देख रहे हैं अभी नहीं, पासवर्ड याद रखें इस तरह आप लोग दिख जाएगा अभी नहीं। तो यहाँ पर देखिए यूजर रजिस्ट्रेशन योर सर्विस बिहार गवर्नमेंट योर बीन सक्सेसफुली, यहाँ पर देख रहे हैं जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया है, अभी क्या है गवर्नमेंट उस तरफ से आपका डाटा देखेगी, उसके बाद आपके नंबर जो आपने डाला है नंबर और जो जीमेल आईडी डाली है उस पर दोस्तों आप लोग कॉन्टेक्ट करेगी।